गोली ला लेलो। हाँ राज्य खातिर शहीद भेलो। हाँ ताबो सरकार ना जानो कि हाँ के यहाँ खातिर बलिदान देले। हाँ तब हमर झारखंड राज्य बनले। हाँ एक मूर्ति तक इधर ना लगी, एक मूर्ति तक इधर चौक चौराहे ना बनले। स्मारक बना, स्मारक बना, नाम लिखा हुआ था नाम, बस नाम लिखा हुआ है, मतलब मूर्ति नहीं बना है। वैसे नहीं बना। और वो शहीद होले तो कर नाम से कुछ मिलो कुछ मिलो दादी ना कोनो अब तो दादी बुढ़ाए की, अब दादी के भी बहुत उम्र भए गेले। हाँ और अभी तक मतलब कुछ सुन लेना। कामनो भी कम सुना आँखों भी कम। ओकरा कौन जगह में गोली लाग ले है? ना पहाड़ वादा में झुमरा दिल। हाँ उधर ही ले। हाँ और राजी खातिर बलिदान दिल। हाँ इटा कते दिन पहले बात लगेगा? 1880 मिस्टर के सामने जोड़िया था वही गर्दनिया काट दे। हाँ मुंडी किधर ले गया कोई पता नहीं, मुंडिया पते ना चले। मुंडी कंधे फेंके लो। हाँ और शरीर कंधे फेंके लो। नहीं खाली शरीरवा मिल लो, मुड़िया मिल ना शरीरवा ना मिल। नहीं कपड़वा खाली कपड़वा पहचान ली हमारे दमिया ना रहे। लाश घर ना आए लगा। हाँ ना इतना दर्दनाक मौत हो ले ओकर। हाँ और राज्य खातिर जेल बस ले, लेकिन ताबो यहाँ आदमी ना जान ले कि वो कितना बड़ा बलिदान दे ले। हाँ की कर भी हमली के जे नेता मंत्री उ सब झारखंडी के दबावे की कोशिश करो। अगर जब जानते कि हमर पुरखा बलिदान कैसे दिले है तब ने आरो जागते, तो ओकरा जब दबाए देते तो फिर अगला आदमी में जोश अते ना, इसलिए ओकरा दबाए दो थीन कि अगला कोई झारखंड खातिर ना लड़े। ठीक हो दादी फिर दस गरीब खातिर सोच के मर गेलो। दस जनता कर सबके खातिर मर ले तो सबके जाने के चाहिए ना भाई कि हाँ वो अदमिया फल्ला आदमी मर ले। देख लो न परिवार देख लो न बेटी देख लो कुछ न ओकर पालन पोषण करे पार लो ना सबके खातिर चल बस लो। हाँ और इतना ओकर दर्दनाक मौत की और तोर इतना अभागन की तो ओकर लाश ना देखे पार ली ना ना बस ओकर कपड़ा जान ली हमार आदमी अब ना रह। कोई ना हमली पहचान दी लेबे। हाँ हमली ओकर मूर्ति बनेबे। हाँ और हमली माला पिंधवे लेबे। हाँ ई बेबी मां तो ए तरह में एबे। हाँ लेकिन भी दूर चार अथी ना दीदी सब ओकर कोल्हान से आयल अथी कितना दूर कोशिश रहते कि तोर जिंदा रहते ही ओकर चौकवा मूर्ति बनते तोर ई दुनिया जाए से पहले। और तोहनी भी दादा सब भी आवाज उठैया जे हियाँ के मुखिया हतो कि वो अगर यहाँ खातिर बलिदान दिले तो यहाँ का आदमी जानते कैसे। यहाँ का जिला परिषद विधायक लोग आते हैं ना तो लोग को उन लोग के सामने ये बात आप लोग रखिएगा अगर हमारे तो बलिदान दिए हैं। हाँ तो नदिया जान तो कि हमार दादा बुबा मोरले हले। हाँ। चाहे आस पास के गांव गोतिया जानतो कि हाँ ई बुबा हले जे मोरले हले तब तो कल के ओहो ई राज्य खातिर माय माटी खातिर लड़ते। जब ओकर कैसे जानते जब ओकर नाम और ओकर मूर्ति हुआ रहते ना रहते जाने पड़ते। अभी हमलिए ना जानो हुई तो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए तोहनी भी कोशिश करिया यहाँ जे मुखिया तो ओकरा बोले कि उनका मूर्ति बनवाया जाए।
और दादी हाथे ओकर मूर्ति में माला, अगर इस दुनिया जाए पहले मूर्ति बनावे कोशिश करिए। ऐबो दादी फिर हाँ बड़ी रात भी गेलो घाट जी। हाँ। मुखिया क्या नाम? मुखिया का सोनाराम मुर्मू। और विधायक का लंबोदर महतो। वो लोग भी आकर, वो लोग को तो इस चीज के बारे में जानकारी हो गई। हाँ लंबोदर जो वीर तो मतलब जो शहीद हुए थे उनका क्या नाम है? इसी गांव के हैं। जिबलाल महतो। जिबलाल महतो बरहान के तो जब इस कुलिया से वो शहीद हियां से शहादत देले है तो जानकारी रखे चाहिए ना, चौक चौराहा में ओकर मूर्ति बने चाहिए ताकि जब भी झारखंड में संकट हो तो अगला भी बलिदान दे। की नाम हले को बुबा के? अगला जीवलाल महतो इस गांव से जन्म ले तो जानते नहीं तो अगला जीवाधन महतो निकलते ही जीवलाल महतो निकलते ही गांव। हाँ के लोकल वार्ड मुखिया ये सब को जोर करना पड़ेगा इसके घर से जो इसकी आवाज उठाने चाहिए। मुद्दा ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है एक्चुअली। अगर दिन रात में तो हमने खुद कठिन जीते। मुखिया जो है मुखिया वो नहीं करेगा। पेंशन इनको को मिलना चाहिए तो जो देख सकते हैं नहीं तो जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का नाम मिले दादी के तो कुछ मिले ना। ये अकेले बुबा चल गए तो अकेले छोड़ दलो तो अकेले बाल बच्चा पाल ली। अगर जानता लो सबकी शहीद होले तो शहीद के हक तो चाहिए ने भाई, तोरा दे लो ना दे लो छोटा पोसना बिहला सब कुछ न करना न अकेले अकेले। अब कोई नहीं है गार्जियन, कोई नहीं है और पैसों का सहारा नहीं। हाँ अब की बात से नेता मंत्री लोग वोट मांगने आएंगे ना सीधा बहिष्कार कर दीजिएगा, तो नहीं देना है वोट। ये गांव के जितना भी दादा सभी अगर मुखिया या कोई ना सुनो तो डायरेक्ट विधायक के बोल, डायरेक्ट डॉक्टर लंबोदर महतो के बोल कि यहाँ पे जीवलाल महतो के मूर्ति बने चाहिए तब ई गांव से अगला जीवलाल महतो निकलते है शहीद होते इस राज्य के लिए। और सबसे बड़ा पॉइंट तो है कि वो लोग वोट मांगने आते हैं और इसी गांव का एक घर से एक शहीद जो कि शहीद हो चुके हैं उनका एक मूर्ति तक नहीं बैठा पाए हैं आज तक, एक खड़ा नहीं कर पाए और आते हैं वोट मांगने के लिए। जब तक वोट मांगे आओ तो ई ना हमारा वोट चाहिए पता कर कि नुकसान है या हिया से कौन हीरा शहीद भेले है अपना विधानसभा क्षेत्र का, इतना तो जानकारी होना चाहिए ना। तो तोहनी सब जरूर एकर में आवाज उठे, इतना कोई छोटा बात ना बहुत बड़ा बात है। अगर अभी आवाज ना उठले तो ई दादी तो कब मर जीते इतना दादियों ना जानो, तो अगर ई मर गेलो ने तो अगर मूर्ति आर ना बनतो। अगर जिंदा रहे पहले ओकर मूर्ति बनवे चाहिए और दादी अपन हाथ से ओकर में माला पिन्हे तब दादी भी आत्मा खुश भेत है कि हमार आदमी शहीद भेल हले तो आज पूछो तो हक मिलले इतना साल बाद ही सही लेकिन मिलले तो हमली कोशिश करबो जहाँ तक हो तो कोशिश करबो कि मूर्ति बनवल जाए और वही राज्य खातिर शहीद होल हले तो ओकरा इस राज्य में मूर्ति के रूप ही जगह दियल जाए और ओकर जन्मदिन पर और ओकर शहादत दिवस पर हुआ माला पहनवल जाए। शहादत दिवस का डेट मतलब याद है कुछ? 3 फरवरी 3 फरवरी 1980 ये मुद्दा को फिर